अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवा। 112 डायल करते ही बताए गए लोकेशन पर तुरंत पहुंचेगी पुलिस टीम। जनता की अपेक्षाओं पर कारगर साबित होगा ये परियोजना। पहली वर्दी पहनने और पहुंचने में लगता था वक्त, अब 24 घंटे तैयार रहेगी पुलिस। शहर में अंदर ढाला, सिसवन ढाला, तरवारा मोड़, बढ़रिया स्टैंड, गोपालगंज मोड़, महाराजगंज ने नखास चौक व रामलखन सिंह चौक, जबकि मैरवा में मझौली चौक पर होगी तैनाती। सिवान जिले में बेहतर पुलिसिंग सेवा के लिए जिले में अब डायल 112 की सुविधा शुरू की गई है। किसी भी आपातकालीन स्थिति या घटना दुर्घटना की स्थिति में 112 डायल करते ही तुरंत ERV टीम फोन करने वाले की लोकेशन पर पहुंच जाएगी। इससे यहां क्राइम कंट्रोल में मदद मिलेगी, वहीं बेहतर पुलिसिंग कार्य को भी बढ़ावा मिलेगा। जिला पदाधिकारी अमित कुमार पांडे व SP शैलेश कुमार सिन्हा ने बुधवार को समाहरण न्यायालय परिसर में से 8 ERV टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व SP एवं DM ने सभी ERV वाहनों का मुआयना किया और वह कैसे कार्य करेगी इससे अवगत हुए। इस मौके पर SP ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ERSS परियोजना के अंतर्गत ERV वैन का संचालन जिला स्तर पर चलाया जा रहा है। अब किसी भी मुसीबत, घटना, दुर्घटना एवं आपात स्थिति में 112 डायल करते ही कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होगी। यहां से संबंधित क्षेत्र के ERV टीम को फोन करने वाले का लोकेशन दिया जाएगा और टीम तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच जाएगी। SP ने बताया कि ERV टीम अलग अलग वर्तमान में दो शिफ्टों में 24 घंटे काम करेगी, जो जिला मुख्यालय महाराजगंज व मैरवा के प्रमुख जगहों पर तैनात रहेगी और सूचना के आधार पर लोकेशन पर पहुंचकर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए वाहन में लैस MTD सिस्टम पर रिपोर्ट करेगी। इस मौके पर SDPO जितेंद्र पांडे, नगर इंस्पेक्टर जयप्रकाश पंडित, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, महादेवा OP प्रभारी विपिन कुमार, सराय OP प्रभारी उपेंद्र कुमार सिंह सहित विभिन्न थाना के थानाध्यक्ष एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। SP ने बताया कि शुरुआती दौर में जिले में फिलहाल 8 ERV वैन दिया गया है, जो जिले के अलग अलग प्रमुख चौक, जैसे शहर में 5 वाहन आंधरढाला, सुसवनढाला, तरवारा मोड़, बढ़रिया स्टैंड, गोपालगंज मोड़ पर तैनात रहेगी। वहीं महाराजगंज में 2 वाहन नखास चौक व रामलखन सिंह चौक, जबकि मैरवा में मझौली चौक पर तैनात रहेगी। उन्होंने बताया कि आम जनता की अपेक्षा रहती है कि सूचना देने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे, जिससे ये ERV परियोजना काफी कारगर साबित होगी और इससे जनता को तुरंत पुलिस सहायता दी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से क्राइम कंट्रोल में भी मदद मिलेगी। बताते चले कि अमूमन कहीं कोई घटना होती है तो लोग इसकी सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को देते हैं, जिसके बाद थानाध्यक्ष या तो क्षेत्र में निकले गश्ती दल या थाने की पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचते थे। इन सब चीज़ों में वक्त लग जाता है। वहीं एक ही समय में एक से अधिक घटना हो जाए तो पुलिस की परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में 24 घंटा सेवा में लगे ERV टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच जाएगी। SP सहिलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रथम चरण में 8 वाहन ही मील है, जो शहरी क्षेत्रों को दिया गया। दूसरे चरण में विभिन्न थानों को दिया जाएगा। वह उन्होंने ये भी कहा कि एक वाहन में एक चालक, एक पदाधिकारी व 2 कांस्टेबल मौजूद रहेंगे। बताते चले कि 112 डायल करते ही वह राज्य स्तर पर कार्यरत कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होगी, जिसके बाद जिला स्तर पर मौजूद कंट्रोल रूम में इसकी सूचना प्राप्त होते ही वह संबंधित क्षेत्र की टीम को घटना की जानकारी देंगे और टीम 10 मिनट से पहले ही घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। न्यूज तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। हाँ जी, आम जनता को तत्काल पुलिस की सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से आज पूरे राज्य भर में यह आपात अनुकूलीय वाहन का उद्घाटन किया गया है। इसके तहत सिवान जिला को भी 8 वाहन दिए गए हैं। यह प्रथम चरण है, इसमें सभी अर्बन एरिया को, जो शहरी क्षेत्र हैं, कैचर करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसमें 4 आपके शहर थाना में रहेंगे, नगर थाना में 1 रहेंगे गोपालगंज मोड़ पे, 2 महाराजगंज को दिया गया और 1 मैरवा को। 112 नंबर का कोई भी आम नागरिक अगर डायल करेगा तो यह तत्काल वाहन उसकी सहायता के लिए पहुंचेगा। और इनको इसीलिए यह वाहन लगाया गया है कि थाना को पहले हो सकता था किसी सूचना पर जाने में विलम्ब होता है, लेकिन अब यह वाहन उनके घर के आसपास ही होगा। और ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर 112 पर डायल करता है तो यह वाहन 10 मिनट से कम समय के अंदर अंदर उनके पास पहुंच जाएगा और तत्काल उनको जो भी पुलिस की सहायता हो सकती है और जो पुलिस का कार्य है वह उनको तुरंत उपलब्ध कराए। सर, गाड़ी कंट्रोल रूम सर कहाँ होगा? सर, कंट्रोल यहाँ पे जिला में भी है और राज्य स्तर पर पटना में भी। सर, इसमें कितने लोग रहेंगे? कितने लोग अधिकारी और जवान रहेंगे? सर, हर गाड़ी पे 2 पाली में इनकी ड्यूटी होगी, 12-12 घंटे की भी तत्काल ड्यूटी लगाई गई है। बाद में हमारे और कर्मी उपलब्ध हो जाएंगे तो इसको 8 घंटे की 3 पाली हो जाएगी, लेकिन अभी 2 पाली है जिसमें 3 पुलिसकर्मी प्रत्येक वाहन पर रहेंगे, 1 चालक के साथ, चालक अलग से। क्राइम पे सर काफी कंट्रोल हो सकता है 112 से?